कई हजरात ने ये सवालात भेजे हैं एतिकाफ़ के मुतालिक। सबसे पहली बात ये समझ लें एतिकाफ़ कहते किसे हैं। एतिकाफ़ जो है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में अपने आप को वक्फ़ कर लेना। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसके मुतालिक फ़रमाया वला तुबाशिरुहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, यानि रमज़ान की रातों में तुम्हें अपनी बीवियों के पास जाने की इजाज़त तो है लेकिन जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ में हो तो ये भी चीज़ तुम्हारे ऊपर हराम हो जाती है, यानी एतिकाफ़ के दौरान। अब एतिकाफ़ में रोज़ा भी शर्त है आपके, बग़ैर रोज़े के आपका एतिकाफ़ दुरुस्त नहीं है। रमज़ान की 20वें रोज़े का इख्तिताम होगा, 21वीं शब शुरू होने जा रही होगी, मग़रिब से पहले पहले मस्जिद में चला जाए और 10 दिन की या चाँद निकलने तक यानी शव्वाल का चाँद नज़र आने तक वो मस्जिद में ही रहेगा और सारी चीज़ें मस्जिद के अंदर ही उसकी होंगी, यानी वो खाना पानी और सोना उसके लिए तमाम चीज़ें मस्जिद का एक कोई हिस्सा ख़ास कर ले, वहीं पर वो एतिकाफ़ करेगा। एतिकाफ़ के मसाइल में ये है, अगर मस्जिद होना मर्द के लिए शर्त है, यानी कोई भी मर्द जो है कहाँ एतिकाफ़ करेगा, मस्जिद, उस मस्जिद में जिस मस्जिद में पंज वक्ता नमाज़ें होती हैं, इमाम मौज़िन मुकर्रर हैं। ऐसे नहीं कि टेम्प्रोरी कोई जो है एक रूम कायम कर लिया और यहाँ मस्जिद नमाज हो रही है और उसमें एतिकाफ़ कर लिया, नहीं, जो मस्जिद है मस्जिद में ही एतिकाफ़ होगा। किसका? मर्दों का। और अगर मस्जिद में जाने की परमिशन आज के दौर में तुम्हें नहीं मिल रही है तो समझ लें आपसे एतिकाफ़ साकित हो गया, क्योंकि एतिकाफ़ जो है सुन्नत मौक्कदा अलल किफ़ाया, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरे मोहल्ले में या शहर में एक ने भी एतिकाफ़ कर लिया तो सारे लोगों के ऊपर से वो ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, सारे लोगों के ऊपर से वो ज़िम्मेदारी ख़त्म। कोई एक भी एतिकाफ़ नहीं किया तो पूरे शहर वाले गुनहगार होंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है लॉकडाउन के इन हालात में भी मस्जिद में 4-5 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद है, इमाम है, मौज़िन है और दूसरे 3 स्टाफ पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना आप मस्जिद में एक आदमी को दाखिल करें एतिकाफ़ के लिए, एक आदमी एतिकाफ़ के लिए बैठ जाए, वो आना जाना ना करे, मस्जिद में रह सकता है आखिरी अशरे में, तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। हर एक को, जैसे सालों में अक्सर अब देखने को ये मिल रहा है मस्जिदों में अब थोड़ा सा एतिकाफ़ करने वालों की कसरत होने लग गई, पिछले चंद सालों से 40-40 लोग 50-50 लोग बैठने लग गए थे। अब ज़रूरी नहीं सारे लोग एतिकाफ़ में बैठें, आप सब पर वाजिब नहीं है, आप सबके ऊपर वाजिब नहीं है, एक आदमी भी बैठता है तो सारे आप बरीउज़िम्मा हो जाएंगे, तो एक आदमी को मस्जिद में दाखिल करवाएं या जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहे हैं मौज़िन हो इमाम हो उनसे ही कह लें या स्टाफ का कोई आदमी हो कि तुम ही एतिकाफ़ में बैठ जाओ, उनकी ज़रूरियात का ख्याल दूसरे लोग करें। ये लॉकडाउन के हालात में सवाल यही किया गया है कि लॉकडाउन में एतिकाफ़ कैसे करें, तो मैं यही बता रहा हूँ। और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि हम तरावी नमाज वगैरह सब घरों में पढ़ रहे हैं तो क्या घर में भी कोई ऐसी जगह ख़ास करके हम एतिकाफ़ कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा वो औरतों के लिए, आपके लिए नहीं, औरतों के लिए घर की ही जो मस्जिद होती है उनकी, यानी नमाज का एक कमरा बनाते हैं अपने लिए, एक जगह ख़ास करते हैं, घरों में होता है तो उसको मस्जिद बैत कहते हैं, यानी घर की मस्जिद, उसमें औरतें बैठेंगी, उसमें औरतें बैठेंगी, लेकिन उनके लिए भी ये शर्त है कि वो पाक होंगी, हैज़ और निफास इन तमाम चीज़ों से वो पाक रहेंगी तो ही उनके लिए एहतिकाफ़ है। अब वहाँ पर औरतें अपनी ज़रूरत के अलावा किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाएंगी, मिसाल के तौर पर तहारत इस्तिंजा वगैरह के लिए या नहाने के लिए जाना हो तो वो अपने उस कमरे से निकल करके जाकर गुस्ल कर सकती हैं, नहा सकती हैं और फिर वापस आकर के वहीं बैठ सकती हैं, वो अपना खाना पानी सब वहीं करें। ऐसा नहीं कि कोई सहेली आई उठ करके बाहर चली गई, कोई मेहमान आए उसको बात करने के लिए चले गए तो उसका एतिकाफ़ टूट सकता है, उसके एतिकाफ़ में ख़राबी आएगी। तो औरतों के लिए ये मसाइल है। अब मर्दों के लिए घरों में एतिकाफ़ है ही नहीं है तो फिर मैं क्या मर्दों के मसाइल बताऊँ, मर्दों के लिए सिर्फ मस्जिद में ही है कि मस्जिद होना उनके लिए शर्त है, बग़ैर मस्जिद के वो एतिकाफ़ नहीं होगा। दूसरे कुछ औरतों ने ये भी सवाल किया है कि हम खत्मुल कुरान में शामिल हैं, हम जो सुबह कुरान पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दूर दराज से सारे लोग, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, तो औरतें ये सवाल कर रही हैं कि हम कुरान पाक की तिलावत इसमें जारी रखें एतिकाफ़ में या इस मोबाइल के ज़रिए या कैसे करें। मेरे अजीज़ों,
कुरान पाक तो आपके लिए बहुत ही सवाब का काम है। रमज़ान में सबसे बड़ी इबादत है आपके लिए कुरान की तिलावत। रमज़ान और कुरान दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है, आप इससे दूर ना हो, बल्कि मैं कहूँगा कि एतिकाफ में भी आप इस खत्मुल कुरान से जुड़े रहें। हाँ, सवाल अगर आपका ये है कि मोबाइल हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो ये समझ करके चलें कि मोबाइल अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, बुरे कामों के लिए भी, ये आपके ऊपर है आप किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कुरान में कुरान इसमें खोलने के लिए मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर ये कुरान उसकी भी वही हैसियत होगी, इसकी भी वही हैसियत होगी, क्योंकि ये भी वर्कों पर लिखा हुआ है, ये भी स्क्रीन पर छपा हुआ है, दोनों की यही कि क्योंकि जब मोबाइल पर कुरान ओपन हो जाएगा तो आप बग़ैर वजू तो मोबाइल को भी नहीं छू सकते। हाँ, अगर वो जब फोल्डर में अंदर चला जाए तो फिर आप बग़ैर वजू के भी मोबाइल को उठा सकते हैं, जैसे कि कुरान को अगर गिलाफ़ में डाल दिया कपड़े में, तो बग़ैर वजू के गिलाफ़ को पकड़ सकते हैं। तो ऐसी मसाइल हैं। तो मोबाइल लेकर के एतिकाफ में जाने के मुतालिक अगर आप पूछ रहे हैं, तो मैं इतना कहूँगा, जितना हो सके बचने की कोशिश करो मोबाइल से। अगर तुम्हें ख़त्मुल कुरान में शामिल होने के लिए इस्तेमाल करना है, तो इसकी इजाज़त है, आप सुन करके कुरान पढ़ सकते हैं, बाकी दूसरे कामों के लिए इस मोबाइल को दूर रखें। एतिकाफ होता ही है दुनिया से दूरी इख्तियार करना और अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करना, और सारी दुनिया तो इसी में मौजूद है, इससे एहतराज़ चाहिए। और दीगर कुछ मसाइल हैं, बाकी मसाइल जो है बयान किए जा चुके हैं, ये तलाक़ और इद्दत के मामलात हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको दूसरे सेशन में मैं अर्ज़ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।